अभी से ये ढीला होगा तो तुम पेन पेन का दबाव रिमूव हो जाएगा। वही ना, तो फिर इसके साइज का दूसरा देना चाहिए ना। इसी तरह होता है। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो मैंने कहा था आज छत पे व्लॉग स्टार्ट करते हैं, बहुत दिनों से छत पे नहीं आए थे। और हमने आज मैं वही डालने आया था, आपको पता, चुड़ियों का दाना, मतलब बासी टुकड़े, बासी नहीं बूसी टुकड़े हम लोग डालते हैं। जैसे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, जिसमें जिसका टाइटल था कॉलेज से BSc और BCom का मालूम कर लिया, तो उस वाले व्लॉग में मैं डालने आया था। आप लोगों ने देखा होगा पूरा, वहाँ से हमने वहाँ कबूतर बैठे हुए थे, हमने करके कबूतरों को उड़ाया था, वो भागे थे। देखो कबूतर अभी भी उड़ रहे। तो अभी मैं डाल के फारिग हो चुका हूँ। देखो अभी इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि मैंने आँखें नहीं खोली थी, पूरी आँखें खोली। देखो अब मौसम पता नहीं कैसा हो रहा है, सर्दियों का मौसम हो रहा है, लेकिन फिर कभी धूप तेज़ हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है, मौसम चल रहा है आजकल। ये देखो अभी बारिश वाला मौसम हो गया एकदम से, कभी इतनी तेज़ धूप आएगी जब बादल नहीं होंगे, इतनी तेज़ धूप आएगी। अब देखो काले बादल आ गए ना सामने, बादलों के सूरज के ऊपर, तो देखो काले बादल आ जाते हैं तो धूप बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। देखो अब छत पे बिल्कुल भी धूप नहीं है। और जहाज़ की आवाज़ सुनो, ये जंगी वो जा रहा है F-16। और इस जहाज़ का उल्टा हिसाब होता है, जब दूर होगा ना इतनी तेज़ आवाज़ आएगी, जब करीब से जाएगा तो आवाज़ नहीं आएगी। अभी इतनी दूर है अभी भी आवाज़ आ रही है, नज़र नहीं आ रही लेकिन आवाज़ आ रही है। यही सीन है, बस ये डाल दिया है और देखते हैं बाकी का आगे का सीन क्या होता है। मैंने कहा चलो यार छत पे, आजकल गर्मी जैसा मौसम हो गया, मुझे लगा सर्दी ख़त्म हो गई बस कराची की, फरवरी शुरू हो गई ना, फरवरी शुरू होता नहीं है बस गर्मी ख़त्म हो जाती है, देखते बाकी फिर क्या होता है। तो हाँ बॉयज़, अभी का सीन ये कि सिलेंडर में जो है वो गैस ख़त्म हो गई है, तो मैं जा रहा हूँ गैस दिलवाने, बाकी फिर देखते हैं किस तरह होता है, उसके बाद देखे चलते हैं। तो अभी जो है बाहर आ चुका हूँ, ये रहा मेरे हाथ में सिलेंडर, और ये वाली जो गली है ये पूरी काली टंकी वाली गली कहलाती है। ये देखो ये काली टंकी वाली गली कहलाती है, काली टंकी ऊपर बनी हुई पेड़ की वजह से नज़र नहीं आ रही। यहाँ से गुजरने के बाद ये आ गया सामने जेल के अपार्टमेंट, ये जेल के अपार्टमेंट है सामने, और इसी के साथ हम लोग गली के साथ चलते जाएंगे तो आ जाएगी हमारी सिलेंडर की दुकान। देखते हैं वहाँ पे रश होता है और मैं आपको रेट भी दिखाऊंगा क्या रेट चल रहे हैं सिलेंडर के। Told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. laga hua bhai, do bande khade hain cylinder ke liye, oh balki do nahi, teen char khade hain bhai. ye dekho teen char bande khade hain, line lagi hui hai, galti yahan se line lagaye. wow. ये सब खड़े हैं भाई, ये वाला बंद पड़ा है, ये वाला जो है वो बंद पड़े हैं। देखो 200 रुपये है रेट। In a daydream, I be in my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. चलो भाई, गैस इज़ ऑलमोस्ट डन, भरवा ली हमने। और जो तुमको सामने जो जेल नज़र आ रहा था ना, वो वहाँ पे जो है परिजा ड्रामे की शूटिंग हुई थी। पहले मैं समझता था कि जेल ना इतना सा होगा, लेकिन भाई इतना बड़ा है अंदर से, जब तुम ड्रामे में देखते हो जब तुमको पता चलता है कितना बड़ा है। बस अभी घर चलते हैं। तो बस अभी घर चलते हैं, उसके बाद का जो सीन होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। गैस भरवा लिए, 200 रुपये किलो, मतलब 400 रुपये की 2 किलो हो गई, ठीक है ना। बाकी मैं समझ रहा था कि रश नहीं होगा, लेकिन रश बहुत हो रहा था, अच्छा खासा रश हो रहा था। 3-4 लड़के पहले से खड़े हुए थे आदमी, जो मैं तुम लोगों को वीडियो में दिखाए उस पर हम लगा देंगे साउंड। और बाकी जो जब गैस भरी थी उसकी वीडियो मैंने सीधे करके बनाई है, ताकि उनको शक ना हो कि भाई हमारी वीडियो बना रहा है इस वजह से, ठीक है जी। तला भाई की कल एक्सीडेंट हो गया था, तो आप लोग तला भाई के लिए दुआ करिए कि उनका पैर का जो
छिला है, मतलब खून निकला, ज़्यादा छिला नहीं, रगड़ लगी, अच्छा खासा छिला है, लंबा था, खून बहुत निकला था, तो पट्टी लगवाई थी, पैंट काटी थी, ठीक है जी। जल्दी चलो जल्दी। अच्छा है। अच्छा जी, ठीक है, अच्छा खासा भारी हो गया भरवाने के बाद ये, पहले तो इतना हल्का लग रहा था। तो चलो भाई, अभी का सीन ये, खाना वाना खा लिया और आज हम अपने पहनेंगे नवे नवे वैंस, ये निकाल लिए हमने नवे नवे वैंस। तो अगर आपने ये मेरे वैंस लेने वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में भी इसकी वीडियो डाल दूंगा, मतलब आई बटन में वीडियो आ जाएगी, आप क्लिक कर लेना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है जी। तो अभी इसको खोलते हैं और फिर देखते हैं। अगर आपको सस्ते वैंस ख़रीदने हैं, आपको वैंस जूते पहनने का शौक़ है, वैंस स्नीकर और एडिडास पहनने का शौक़ है, और आपको महंगे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सस्ते अफोर्ड कर सकते जैसे 500-600 रुपए के, तो आप, मैं एक जगह बताऊंगा, वो वीडियो देख लेना आप, वहाँ पे जाके आप वहाँ पे देखो, पुराने भी मिलते हैं और नए रिफर्निश भी मिलते हैं, मतलब बिल्कुल नए होते हैं और बिल्कुल पुराने भी होते हैं, पुराने ऐसे नहीं होते कि गंदे हों, साफ सुथरे होते बिल्कुल है। अब ये देखो, ये मैंने देख के लिए बिल्कुल नए हैं, बस ये है कि ये डब्बे में नहीं है, ये हमारे को थेरी में मिले। तो ये वाला ब्लॉग आपने देख लिया होगा, वैंस मिल गए इतने सस्ते, तो मैं ऊपर आई बटन में भी इसकी वीडियो डाल दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका वीडियो का लिंक डाल दूँगा, देखो कितने नए है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरे जूते हैं। ये वैंस है, देखो वैंस का टैग लगा हुआ है, ये देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा, और नीचे भी यहाँ पर लिखा हुआ है वैंस, ये देखो। तो वैंस का जो है, वैंस का और एडिडास का, नाइकी का, मैं क्या बोलते हैं वो हूँ, मेरे मनपसंद शूज़ हैं। देखो एक ये वाला लिया था, ये तला भाई पहन के जाते हैं ऑफिस, एक ये मैंने लिया था, दोनों तला भाई के नहीं लिए थे, लेकिन मैंने कहा चलो आज एक पहन के जाते हैं, देखते कैसा है जूता, चल के देखेंगे पैर में सही लगा नहीं लगा, क्योंकि अभी पहनते हो फिर चलते हैं। तो चलो जी, वैंस पहन लिए हैं, देखो कैसे लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं ना आपके वैंस, फौजी वाले वैंस हैं। और अभी का सीन ये है, नीचे मोटर चल रही है तो इस पर थोड़ा सा तेज़ बोलता हूँ मैं, बाकी दूसरा किसी अभी जाने का सीन ये है कि हिमांशु को फोन आया था, बोला भाई मोदी ने जाने, तो ठेले पे से देखते हैं मिल जाएंगे प्लान में से, या तो फिर प्याई भी चलेंगे, ठेले पे से जाएंगे मोदी। और दूसरा काम ये है कि आज नाश्ता, कल का नाश्ता आज मैं लेने जा रहा हूँ, मतलब आज रात को लेने नहीं जाऊँगा, जैसे उस दिन रात में, कल वाले ब्लॉग में देखा था आपने कि रात में लेने गया था, तो आज रात में नहीं जा रहा, सुबह अभी दोपहर में खाना ना खा के लेने जा रहा हूँ, क्योंकि रात में हमें काम करना है, एक ऑनलाइन डेटा एंट्री का वर्क किराए वाले काम करना, ठीक है। अभी हिमांशु के पास भी जाना है। चलो भाई, प्याई भी पहुंच चुके हैं, नाश्ता वास्ता जो है वो हमने लेके घर पे छोड़ दिया, और अभी जो है वो प्याई भी पहुंच चुके हैं, प्याई भी में देखते हैं कि वो पठान जो है वो हमारे को नज़र आता ही नहीं आता पठान, जिससे हिमांशु के मोजे ने शॉर्ट मोजे, शॉर्ट क्या बोलते हैं, शॉर्ट सॉक्स टिकटॉक देने में थे शॉर्ट सॉक, तो वो लेते हैं, आज हमें ज़रूरत है ना मोजों की, तो आज कोई पठान नहीं मिल रहा, खड़े में होंगे, वरना रोजाना जमशेद पास पूछते हैं जाते रात में, तो खड़े में होते हैं पूछने के, आज एक नज़र भी नहीं आ रहा ना, फिर एक ही हाल है हमारे को, जीत रही है बैठ के, सदर में जाना पड़ेगा, मोजा छोटा है। अबे हिमांशु बहुत ढीला हो जाएगा फिर बाद में, एक दो मरतबा पहनेंगे इसे खुद बनाना, अभी से ये ढीला होगा तो तुम पेन पेन का दबाव रही हो जाए, वही ना, तो फिर इसके साइज का दूसरा देना चाहिए ना, इसी तरह हो जाए, छोड़ दे भाई छोड़ दे, नहीं पहन हिमांशु कह भाई इतना बड़ा है लेकिन मोजा छोटा, छोड़ दे ये वाला सही। चलो भाई, हिमांशु के मोजे ले लिए हमने, और ये रहा हिमांशु हमारे साथ, हिमांशु के मोजे दिखाओ, ये रहे हिमांशु के मोजे, नवे नवे मोजे ले लिए हमने 100 रुपए के, दो पढ़ांगे पढ़ा के, और हमने तो अच्छी वीडियो बना रहे, उसका वीडियो बना रहे, हमने कहाँ वीडियो बना रहे, अभी बाद में चल के बात करें, कहाँ गया, अबे छोड़ कॉम्प्लेक्स छोड़, घर ही चलते, हिमांशु बोला था कॉम्प्लेक्स आया, कॉम्प्लेक्स आया, लेकिन कॉम्प्लेक्स आया नहीं, ठीक है ये कॉम्प्लेक्स जा रही है, तो कॉम्प्लेक्स का बोला था कॉम्प्लेक्स नहीं, केएमसी, तो ये वाली गली, अभी जॉगिंग करने आए हुए लोग, तो केएमसी ये वाली गली, तो ये है केएमसी, अभी शाम का टाइम है तो खुला हुआ, तो अभी खुला हुआ है केएमसी, देखो जॉगिंग करने लोग आए हैं, फैमिलियाँ जाएंगे जॉगिंग करने के लिए, बस अभी घर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया मोजे ले लिए, चलो आपको घर पर एंड करेंगे। Later that same evening. चलो गाइस, इस व्लॉग को रखते हैं, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी जो है ना, आज अभी जो है मैं देखो एक ना, आजकल हम ना थोड़ी सी रिसर्च कर रहे हैं कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाया जाए, क्योंकि देखो एक तो ऑनलाइन है कि अमेज़ॉन से कमाया जाए, और दूसरा ये है कि आप जो है ना टाइपिंग करके पैसे कमा सकते हो, मतलब जैसे एसे लिखो पैसे कमाओ, आर्टिकल लिखो पैसे कमाओ। और दूसरी बात जो है कि ना आर्टिकल लिखो पैसे कमाओ, एसे लिखो पैसे कमाओ। और दूसरी बात ना, दो तीन तरीके और भी हैं, फाइवर, अपवर्क, तो फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, गुरु, पीपल पर आर, तो ये पांच वेबसाइट हैं ऑनलाइन जिनसे पैसे आ सकते हैं। लेकिन मैंने इन सब पे आइडिया बना के अपना पोर्टफोलियो डिस्क्रिप्शन बना के डाल दिया, लेकिन अभी तक एक कोई भी ऑर्डर नहीं आया मेरे पास। वीडियो एडिटिंग आपको अच्छी खासी, मेरे आपके भाई को मतलब मुझे अच्छी खासी आती है वीडियो एडिटिंग, मतलब कि जो भी बंदा अगर मुझे वीडियो एडिटिंग का काम देगा तो मैं करके दे सकता हूँ उसको अच्छी सी, मोबाइल से भी और अपने पीसी से भी। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी तक एक महीना तो दो महीने हो गए मुझे बनाए हुए, जब मैट्रिक इंटर के पेपर दिए थे तो जब बना लिए थे मैंने, अभी दिसंबर नवंबर में बना लिए थे मैंने, तो अभी तक ना फाइवर पे ऑर्डर आया, ना अपवर्क पे, ना फ्रीलांसर पे, ना गुरु पे, ना पीपल पर, और पाँच वेबसाइट हैं, किसी पे भी ऑर्डर अभी तक नहीं आया है वीडियो एडिटिंग के हवाले से कि भाई कि आप हमें वीडियो एडिटिंग दें। क्योंकि देखो जब शुरू शुरू में आप आईडी बनाते हो ना, जब आप शुरू शुरू में आईडी बनाते हो तो आपके पास काम नहीं आता, ये मसला होता है। तो अभी तक हमारे पास भी नहीं आया, बस हम सर्च में लगे हैं भाई, देखो जब एक तरीका नहीं है तो बंदा दूसरा तरीका आजमाए, तो दूसरा तरीका ये आजमाया मैंने कि ना भाई या तो टाइपिंग का कुछ काम कर लें। एक कैप्चर टाइपिंग आई, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, वो जब मैं उसमें पैसे आ जाएंगे फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों का शेयर करूंगा, अभी वो सिर्फ फ्यूचर के लिए थे, वो होता ही नहीं होता उससे पैसे आते हैं या नहीं आते। बाकी दूसरा सीन ये है कि एक काम एक और नज़र आया मुझे, गूगल ट्रांसलेटर, मतलब जो क्लाइंट होता है आपको वो गूगल ट्रांसलेट करवानी होती है उसको अपनी फाइल की, वो आपको ना एक प्रोजेक्ट देता है, मतलब एक काम देता है कि एक बुक की ट्रांसलेशन कर दो या पूरे पेज की ट्रांसलेशन कर दो। अब वो काम मिलेगा कैसे, क्या क्या करना है क्या नहीं करना, वो समझ में जाए। तो अभी मैं उसी के सर्चिंग में लगा हुआ था, देखो एक बंदा है इंडियन, एक हमारा पाकिस्तानी भी है, एक इंडियन भी है, तो ये बंदा बता रहा है एक ये वेबसाइट है वन आवर ट्रांसलेटर। अब पता नहीं यहाँ पर आई डी बनानी है क्या करनी है, ये सब तो आ गया, अब आई डी बनाते फिर ना फिर अगर कामयाब हो सके, ऑर्डर आया हमारे को, फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। ठीक है जी, बाय।